हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द डीकोड होम्योपैथी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हियर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एथुजा साइनेपियम के बारे में। एथुजा साइनेपियम और इसको हम लोग देखेंगे बेसिकली इसके की नोट सिम्टम को एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसमें बेसिकली सिर्फ इसके स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीलिस्ट आई एम क्रिएटिंग, डैट इज़ कमांडिंग रेमेडीज अकॉर्डिंग टू दी एलन की नोट्स। सो टूडेज टॉपिक इज अवर एथुजा साइनेपियम। तो एथुजा साइनेपियम इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है? तो बेसिकली ये जिस प्लांट से एक्चुअली एथुजा साइनेपियम अम्लिकेसी फैमिली का प्लांट है। तो ये कैसा हुआ, ये वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन हुई, वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी हुई। अब इस वेजिटेबल किंगडम की जो ये मेडिसिन है एथुजा साइनेपियम, इससे मेडिसिन बनाने के लिए हम होल फ्रेशली प्लांट को यूज करते हैं, ठीक है? होल फ्रेशली प्लांट को यूज करते हैं तो उसमें से हम निकालते हैं इसका एल्कलॉयड। जो एल्कलॉयड होता है वो कैसा होता है, एडहेरेंट होता है, मीन्स स्टिकी होता है। इसलिए इसका नाम पड़ा एथुजा। एथुजा नाम किस लिए पड़ा, ड्यू टू दी एडहेरेंट और द स्टिकी प्रॉपर्टी ऑफ दी एल्कलॉयड डराइव फ्रॉम द एथुजा साइनेपियम प्लांट। एंड सेकेंडली इसका नाम साइनेपियम क्यों पड़ा, क्योंकि जो अल्कलॉयड निकालते हैं हम इसका प्लांट का, इसका अल्कलॉयड का नाम बेसिकली क्या है, साइनेपीन है। साइनेपीन इज द अल्कलॉयड वी डराइव फ्रॉम द प्लांट। सो इसका नाम पड़ गया साइनेपियम। तो एथुजा साइनेपियम इज द नेम ऑफ दिस रेमेडी। सेकेंडली अब इसका कॉमन नेम पे आते हैं, तो कॉमन नेम इसका फूल्स पाल्सले है। फूल्स पाल्सले क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो एथुजा साइनेपियम प्लांट है ये यूरोप में एबंडेंटली हम देखने को मिलता है। यूरोप में जब हम इसे देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इसको सिर्फ जो समझदार आदमी होंगे, जो इंटेलिजेंट आदमी होंगे, वही इसको रियल पाल्सले से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है? रियल पाल्सले से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रिजेम्बलेंस होता है वो पार्सले की तरह होता है, अजवाइन की तरह होता है। पार्सले बेसिकली अजवाइन टाइप का एक हर्ब होता है, पौधा होता है, ठीक है? तो उसको सिर्फ जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान लोग होंगे वही डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जबकि एथुजा साइनेपियम का जो पेशेंट होता है, हम उसके मेंटल्स को जब पढ़ेंगे तो बेसिकली हम फाइंड करेंगे कि एथुजा साइनेपियम का जो बेबी होगा, जो चिल्ड्रन होगा, जो पेशेंट होगा, वो उसमें इडियोसी देखने को मिलेगी, उसमें मूर्खता देखने को मिलेगा, उसमें अज्ञानता देखने को मिलेगा। वो उसकी ऐसी क्षमता नहीं होती है, कि वो सोच सके, समझ सके, इनकैपेसिटी होती है थिंक करने को, एकदम कन्फ्यूज पेशेंट होगा। तो बेसिकली वो फूल हम उसको कह सकते हैं, तो वो फूल्स होगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा पार्सले का। जबकि इंटेलिजेंट वन जो होगा वो बेसिकली पार्सले को, जो कि अजवाइन जैसा पौधा होता है, उसको एथुजा साइनेपियम से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेगा। तो एथुजा साइनेपियम जो होता है वो बेसिकली 1 फुट हाई होता है। उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर बता देना है जिससे इंटेलिजेंट पर्सन उसको डिस्टिंग्विश करेगा। तो वो 1 फुट हाई होता है और उसका जो स्मेल होता है वो नॉशियस होता है। नॉशियस स्मेल मतलब मिचली जैसी टेंडेंसी बनेगी उसका स्मेल, जब हम सूंघेंगे तो मिचली जैसी टेंडेंसी बनेगी। और हम एथुजा साइनेपियम में बेसिकली अभी फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे तो इसकी इसमें वॉमिटिंग होती है, रिगर्गिटेशन होती है, इजेक्शन होता है, बहुत ही वायलेंट, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर भी यहाँ से मिल रहा है कि नॉसियस स्मेल के कारण हमें यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, रिगर्गिटेशन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जब हम इसे रब करते हैं अपने हाथ पे, जो एथुजा साइनेपियम का प्लांट को हम उसका पार्ट्स लेकर के रब करते हैं अपने हैंड पे, तो हमें लोथसम ऑर्डर मिलता है। लोथसम ऑर्डर बेसिकली एकदम घृणा वाला महक, जैसे हमें उसे एकदम उसके दुर्गंध से हमें बहुत ही परेशानी हो जाएगी, ठीक है? उस टाइप का लोथसम ऑर्डर हमें मिलता है। साथ ही साथ इसका वाइट फ्लावर होता है एथुजा साइनेपियम प्लांट का। तो वाइट फ्लावर का होता है, और बेसिकली अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे कि एथुजा साइनेपियम एक पॉइजन होता है, ठीक है? अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो इसका साइनेपियम जो है ये अल्कलॉयड है, अल्कलॉयड जो होता है ये पॉइजन है, ठीक है? तो बेसिकली ये पॉइजनस प्लांट है। तो जो वाइट फ्लावर वाले पॉइजनस प्लांट होते हैं उसको हम बेसिकली एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है हेमलॉक।
और ये गार्डन में और बहुत ही कॉमनली अबंडेंटली ग्रो करता है यूरोप में, तो इसको कहते हैं गार्डन हेमलॉक। तो इसका अनेदर कॉमन नेम है, अनेदर साइनोनेम है, अनेदर नॉमनक्लेचर है गार्डन हेमलॉक, या लेसर हेमलॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें। अब आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली अडेप्टेड होगा चिल्ड्रन में, ठीक है, चिल्ड्रन में ये बेसिकली अडेप्टेड होगा, और ड्यूरिंग डेंटिशन एंड इन द हॉट समर वेदर। मींस इसके एलिमेंट्स कब होंगे, एलिमेंट्स या कॉजेशन कब होगा, हम समझ सकते हैं एलिमेंट्स या कॉजेशन इसका हो जाएगा डेंटिशन के समय, जब बेबी में टीथिंग हो रही होगी, जब बेबी के दांत निकल रहे होंगे, तो उस टाइम इसका कॉजेशन है, इसका एलिमेंट्स होगा, ठीक है, स्पेशली अडेप्टेड होगा चिल्ड्रन में और हॉट समर वेदर में। तो ये इसके एलिमेंट्स और कॉजेशन हम डिस्कस कर लिए। फर्दर ये बेसिकली ये बेबी का पिक्चर है, हम लोग देख सकते हैं इसमें टीथिंग बेबी है ये, और इसमें ये डेंटिशन के समय हॉट समर वेदर में एथुजा साइनेपियम मोस्ट अडेप्टेड मेडिसिन है, अगर इसके साथ वॉमिटिंग हमें देखने को मिले। अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, बियर मिल्क मतलब मिल्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनटॉलरेंस होगा मिल्क को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मिल्क को। सिर्फ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क नहीं, सिर्फ नर्सिंग मदर का ब्रेस्ट मिल्क नहीं, वो मिल्क कोई भी मिल्क हो सकता है, जैसे कि काउ मिल्क हो, या जो बॉटल्ड मिल्क आते हैं आजकल, जो टेंड और कैंड मिल्क आ रहे हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, या मिल्क इन एनी फॉर्म हो गया कि मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मक्खन, रबड़ी हो, लस्सी हो, छाछ हो, मट्ठा हो, ठंडई, खोवा, छेना, पनीर, बटर, मतलब कुछ भी, घी हो, मिठाई हो, आइसक्रीम हो, वाइट कलर का कोई भी चीज़, ठीक है, एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इनटॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो इंटेक करेगा तो उसे वॉयलेंट वॉमिटिंग होगी लार्ज कर्ड में, ठीक है, एकदम फ्रोथी वॉयलेंट वॉमिटिंग होगी, सडन इमीडिएट, जैसे ही वो लेगा, एज सून एज टेकन, तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी लार्ज कर्ड में, फ्रोथी एकदम, और जिसके बाद वो वीकनेस हो जाएगा, प्रोस्टेशन हो जाएगा, ड्राउजीनेस हो जाएगा, वो स्लीपी हो जाएगा बेबी, ठीक है। तो इमीडिएट वॉमिटिंग हमें देखने को मिलेगी, मिल्क का इंटॉलरेंस होगा, मिल्क को किसी भी फॉर्मेट में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब जो इसके जो वॉमिटिंग है वो सार कर्ड लाइक है और बेसिकली बहुत ही फ्रोथी है, और क्या कह सकते हैं कि इवन जो वॉमिटिंग होती है इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है ये छोटा सा बेबी के लिए कि वो वॉमिटिंग कर सके, वॉमिटिंग करना ही उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, इतना लार्ज क्वांटिटी में लार्ज कर्ड, ठीक है, लार्ज वॉमिटिंग, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि बेबी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा थक जाएगा, इतना ज़्यादा ड्राउजी हो जाएगा कि वो फर्दर वॉमिटिंग भी कम्प्लीट नहीं कर पाएगा, तो इतना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो गया। और जो लार्ज कर्ड में हो रहा है मतलब इसका कि मिल्की वाइट सब्सटेंस की वॉमिटिंग हो रही है, मिल्की वाइट सब्सटेंस मतलब मिल्क लिया तो मिल्क से मिल्की वाइट ही सब्सटेंस होगा, तो मतलब इसका रिजेम्बलेंस कैसा होगा, लार्ज कर्ड लाइक मतलब मिल्की वाइट मतलब मिल्क लाइक अपीयरेंस हो गया, या येल्लो फ्लूइड भी हो सकता है, चीजी मैटर हो सकता है, ठीक है, ऐसी इसकी वॉमिटिंग होगी। लेकिन अगर ये कुछ खाया है, अभी तो बात हो रही थी कि मिल्क अगर लिया है, तो अगर लेकिन कुछ खाया होगा तो फिर उसकी वॉमिटिंग जो होगी, खाने पे जो उसका रिगर्गिटेशन होगा, वॉमिटिंग होगी, वो कोपियस होगी, ग्रीनिस होगी वॉमिटिंग होगी, ठीक है, तो उसकी ग्रीनिस वॉमिटिंग होगी, खाने पे ग्रीनिस वॉमिटिंग है और बहुत ही प्रचुर मात्रा में, कोपियस एकदम लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में तो मिल्क पे भी है, लेकिन मिल्क पे वाइट कलर का है, येल्लोइश फ्लूइड है, ठीक है, कर्डल मिल्क है, चीजी मैटर है, लार्ज कर्ड का है, ठीक है, मिल्क लाइक अपीयरेंस है, लेकिन खाने पे अगर फूड लिया है तो उसके एक घंटे बाद या कुछ और समय बाद कैसा होगा, ग्रीनिस कोपियस वॉमिटिंग होगी, कोपियस मीन्स इतनी प्रचुर अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग होगी। सेकेंड, इनडाइजेशन ऑफ द टीथिंग चिल्ड्रन, बेबी को अगर डेंटिशन हो रहा है तो उसमें अपच हो जाएगा, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अगर मिल्की सब्सटेंस ले रहा है तो मिल्की वाइट अपीयरेंस वाले कर्डल मिल्क चीजी मैटर का वॉमिट करेगा, रिगर्गिटेट करेगा, अगर फूड ले रहा है तो ग्रीनिस कोपियस वॉमिटिंग करेगा टीथिंग चिल्ड्रन में, ठीक है, जैसे ही बेबी कंज्यूम करेगा मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट या कोई भी फूड तो उसमें वॉमिटिंग होगी, लार्ज क्वान्टिटी में वॉमिटिंग होगी,
रिगर्गिटेशन होगा बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, इतना लार्ज क्वांटिटी में कि बेबी एग्जॉस्ट कर जाएगा वॉमिटिंग करते करते, और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा कि वो फर्दर वॉमिट कर सके, पूरा मैटर को निकाल सके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाएगा, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, बेबी एकदम एग्जॉस्टेड हो जाएगा, ड्राउजी हो जाएगा और स्लिप हो जाएगा। और जब सो के उठेगा आफ्टर द नैप जब बेबी सो के उठेगा, तो फिर उसके बाद वो हंग्री होगा, फिर मिल्क कंज्यूम करेगा या फूड कंज्यूम करना चाहेगा, भूखा होगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू करेगी, ठीक है, ये साइकिल फर्दर फिर कंटिन्यू करेगी और ये लगा रहेगा बेबी को जब तक हॉट समर वेदर है, जब तक एग्रीवेटिंग पीरियड है, जब तक टीथिंग चल रही है, जब तक डेंटिशन चल रहा है, ठीक है, जब तक इसको प्रॉपर मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर दिया जाता। फिर इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखें तो फेशियल एक्सप्रेशन में हमको ग्रेट एंग्जाइटी एकदम घबराहट, ठीक है, व्याकुलता, चिंता, घबराहट एकदम मिलेगा, देख दर्द दिखेगा, उसका चेहरा ही हम देख के बता सकते हैं कि वो परेशान है, चेहरा ही देख के बता सकते हैं, ठीक है, एकदम ड्रॉन कंडीशन मीन्स दी एकदम मुरझाया हुआ चेहरा, ठीक है, एकदम फॉलन फेस, ठीक है, एकदम फॉलन फेस या मुरझाया हुआ चेहरा, शंकन फेस, हिपोक्रेटिक फेस विथ वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस। वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस मीन्स दी ये जो नॉस्ट्रल्स के ये जो आउटर मसल्स होते हैं, ये लीनिया नेजलिस मसल्स होती है, ठीक है। जैसे जब बेबी गुस्सा करेगा तो नाक के ये जो मसल्स हैं ऐसा वो फुला लेगा, जैसे लीनिया, जैसे कहते हैं ना नाक फुला लिया है, तो उस टाइप से नाक फुला के गुस्सा करेगा। तो ये बेसिकली इस पिक्चर में क्लियरली शो हो रहा है कि लीनिया नेजलिस वेल मार्क्ड हमें दिख रही है और ग्रेट एंग्जाइटी और पेन इस चेहरे में हमें दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका, ये टीथिंग बेबी है, इसके दांत अभी पूरे से नहीं आए हैं, इसके डेंटिशन के पीरियड चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब इसका नर्वस पे आते हैं तो इसके जो आइस हमें वेल मार्क दिखेगा कि आइस टर्न डाउनवर्ड, जो इसका प्यूपिल फिक्स्ड होगा, एकदम इमूवेबल होगा, और प्यूपिल डायलेटेड मिलेगा हमको, फिक्स्ड मिलेगा और इमूवेबल मिलेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ठीक है, ये हो गया, और जरा सा भी प्यूपिल मतलब आइस टर्न डाउनवर्ड, ना साइड वाइज होगा ना अपवर्ड होगा, आइस टर्न डाउनवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आइस टर्न डाउनवर्ड। फर्दर प्रोसीड करते हैं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द थर्स्ट, बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसमें वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, चाहे कुछ भी खा रहा है या पी रहा है, ठीक है। खाने से कैसे हो रही थी वॉमिटिंग, कोपियस ग्रीनेस वॉमिटिंग थी, और अगर पी रहा है मिल्क लेने से इसका वाइट कर्डी चीजी मैटर की वॉमिटिंग हो रही है। तो वॉमिटिंग होती है तो बेसिकली हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि हमें प्यास लगती है। बट इसमें बहुत ही मार्क्ड फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर हमें देखने को मिल रहा है कि वॉमिटिंग होने के कारण, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होने के बाद भी पेशेंट टोटली थर्स्टलेस है, पेशेंट को कंप्लीट एब्सेंस है थर्स्ट का, टोटली थर्स्टलेस है पेशेंट। तो ये बहुत ही मार्क्ड फीचर है, पेशेंट जो बेबी होगा जरा सा भी पानी नहीं पीना चाहेगा, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू, तो हमने क्या पढ़ा, इसमें ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगा, ग्रेट वीकनेस है, स्लीपीनेस है, ड्राउजीनेस है, आइस टर्न डाउनवर्ड हम पिक्चर में देख सकते हैं, आइस टर्न डाउनवर्ड, ठीक है। और लीनिया नेजलिस जो है, लीनिया नेजलिस नाक के जो ये मसल्स हैं आउटर नॉस्ट्रल्स के, ये वेल मार्क्ड होंगे, एकदम नाक एकदम इसका गुस्से के कारण ग्रेट एक्सप्रेशन होगा फेस पे, और जिसके कारण चेहरा मुरझाया सा, संकेन फेस, हिपोक्रेटिक फेस देखने को मिलेगा। बेसिकली इसका पेन और एंजाइटी इसके फेस पे बहुत ही मार्क्ड है, और इसका एक्सप्रेसिव फीचर ऑफ दिस रेमेडी इज दी ग्रेट एंजाइटी एंड द पेन विदड्रॉन कंडीशन, मीन्स दी शंकेन फेस, वेल मार्क्ड लीनिया नेजलिस, ठीक है, हिपोक्रेटिक फेस हमें देखने को मिलेगा, शंकेन फेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और हर्पिस ऑन नोज बेसिकली क्या है कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का हमको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ऑन द टिप ऑफ द नोज, तो हर्पेटिक इरप्शन हमको देखने को मिलेगा इसके नोज पे, ठीक है। और बेसिकली टीथिंग और डेंटिशन के समय ये मेडिसिन बहुत ही
सुटेबल है, होती है, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है, बहुत ही मतलब इंडिकेटेड है डेंटिशन के कंप्लेंट के कारण। वॉमिटिंग होगी कर्डल मिल्क की, मिल्की वाइट सब्सटेंस की, ठीक है, चीजी मैटर की विथ फ्रोटी मैटर, फ्रोटी मैटर, ठीक है, कर्डल मिल्क। और रिगर्गिटेशन होगा, रिगर्गिटेशन मतलब उल्टी ही होता है, वॉमिटिंग ही होता है। ऑफ फूड एन आवर आफ्टर ईटिंग, मतलब एक घंटे बाद या उसके कुछ समय बाद अगर जैसे कुछ खाया है तो कॉपियस ग्रीनेस वॉमिटिंग करें, एक ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बेबी जो होगा कैन नॉट टेक मिल्क, मिल्क को किसी भी फॉर्मेट में बर्दाश्त नहीं करेगा। वाट एवर आई ड्रिंक, बेबी बोलता है कि वाट एवर आई ड्रिंक मिल्क इट गिव्स मी डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, जो भी ये मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट लेता है इसको डायरिया हो जाता है, इसको वॉमिटिंग हो जाता है। तो इसको हमको डायरिया और कोलिक भी हमको इसमें वेल मार्क देखने को मिलेगा। सो दिस मच इज ऑल अबाउट दी एथुजा साइनेपियम का की नोट सिम्टम अकॉर्डिंग टू दी एलेंस की नोट। आई होप नाउ दिस की नोट सिम्टम्स आर वेरी मच क्लियर टू यू ऑल एंड ऑन योर टिप्स। सो इट्स आवर एम टू मेक एलन की नोट सिम्टम्स ऑन योर टिप्स वी आर द हेल्प ऑफ वेरियस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आई हैव इलुस्ट्रेटेड इन दिस लेक्चर। सो होप यू हैव लर्नड एंड मेमोराइज इट बाई हार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।